टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। मसाज के दौरान स्पा में ऑस्ट्रेलियाई महिला पर्यटक के साथ हुई छेड़छाड़, स्पा संचालक गिरफ्तार। शादियों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला सहित दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑटो चालक ने सिटी बस पर फेंक कर मारी बियर की बोतल, घटना में घायल हुई युवती, हिरासत में ऑटो चालक। बाड़ेबंदी से गायब हुआ पंचायत समिति का सदस्य, पार्टी में मचा हड़कंप। गिरवा प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ पेश किया गया है अविश्वास प्रस्ताव। राजसमंद जिले के देवगढ़ स्थित एक हेरिटेज होटल में ऑस्ट्रेलियाई महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है इस महिला पर्यटक ने स्पा लेने की बात की थी, लेकिन स्पा लेने के दौरान स्पा संचालक द्वारा इसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई। महिला द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने स्पा संचालक आरोपी राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी राजू सिंह की तहसीलदार के सामने शिनाख्ती परेड कराई गई थी। महिला द्वारा इस आरोपी को पहचानने के बाद न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस आरोपी का नाम राजू सिंह है। पुलिस ने इसे एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। देवगढ़ सीआई कमलेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी को एसडीएम कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया था। वहीं देवगढ़ तहसीलदार की मौजूदगी में आरोपी को बापर्दा पेश किया गया और इसकी शिनाख्त परेड कराई गई। इस दौरान महिला ने आरोपी को पहचान लिया। इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, महिला पर्यटक 15 दिसंबर को उदयपुर से देवगढ़ पहुंची थी और उसने माणक चौक स्थित देवगढ़ महल हेरिटेज होटल में चेक इन किया था। महिला थकी हुई थी, इसके चलते इसने स्पा लेने का आग्रह किया था और उसे आयुर्वेदिक इंडियन मसाज स्पा की सर्विस देने का वादा किया गया, लेकिन इस स्पा सर्विस के दौरान स्पा संचालक राजू सिंह द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई। इसी मामले में इस पूरी घटना को लेकर जब पुलिस में महिला पर्यटक ने मामला दर्ज कराया तो एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और इसे न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से इसे जेल भेज दिया गया है। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडा जी चौराया। शादियां करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए डूंगरपुर पुलिस ने एक नकली दुल्हन सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना का पर्दाफाश उस समय हुआ जब एक युवक को शादी के लिए दुल्हन पसंद कराई गई और पसंद आने के बाद उससे 2,20,000 रुपए की रकम मांगी गई। इसमें से 1,20,000 रुपए उसे शादी से पहले देना था और 1,00,000 रुपए शादी होने के एक महीने बाद देना तय हुआ था, लेकिन शादी के बाद जब ये युवक दुल्हन को अपने घर लेकर जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में दुल्हन ने कार को रुकवाया और इसके पीछे चल रहे एक मोटरसाइकिल सवार युवक के साथ बैठकर फरार हो गई। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये दोनों आरोपी फर्जी शादियां करवाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इस युवती का नाम यमुना उर्फ नीता बताया जा रहा है। 30 वर्षीय यमुना उर्फ नीता डामोर को पुलिस ने फर्जी शादियां करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही इसके साथ बैठे हुए दूसरे शख्स का नाम ललित उर्फ टाइगर, पिता देवीलाल मसार बताया जा रहा है।
इस युवक की उम्र 25 साल है और मसार की ओबरी पुलिस थाना कल्याणपुर जिला सलूम्बर का यह रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इन दोनों आरोपियों ने एक शख्स को शादी करने के लिए लड़की दिखाई और शादी करने की एवज में उससे 2,20,000 रुपए की रकम मांगी गई। सब कुछ तय होने के बाद जब इस युवक ने आधी रकम शादी के लिए उस दुल्हन के परिवार को दे दी और शादी भी हो गई, लेकिन दुल्हन को लेकर जब ये शख्स अपने घर जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में इस कार को दुल्हन के द्वारा कपड़े खरीदने के बहाने रुकवाया गया और इसी दौरान इस कार के पीछे चल रही एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक की पीछे बैठी दुल्हन और फरार हो गई। इस पूरे मामले के बाद पीड़ित ने डूंगरपुर पुलिस में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है भातु भाई पिता कालू भाई रावल निवासी डूंगरा पोस्ट बिछोर फतेहपुरा थाना जिला दाहोद गुजरात का ये रहने वाला है पीड़ित, जिसने ये मामला दर्ज कराया। इस मामले के बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। दिनांक 5/11/23 को प्रार्थी भातु रावल निवासी डूंगरा दाहोद जिला गुजरात ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि ललित मसार और रमेश जैन ने एक लड़की बताई थी बिंडा गांव में, जहां रणछोड़ की लड़की बताकर मेरे से शादी कराई थी और 1,20,000 रुपया दिया था और 1,00,000 रुपया बाकी था। कुल 2,20,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। लड़की से शादी हुई, शादी की रस्में पूरी करने के बाद में बिंडा से मैं बराती के जा रहे थे करावाड़ा में, लड़की कुछ लेने के बहाने नीचे उतरी और एक बाइक वाला आया जो बाइक पर बिठा कर लेकर भाग गया और इस तरह से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से ललित मसार, रमेश जैन ये लोग फर्जी शादियां कराते हैं लड़कियां तैयार करके और सब मिलके पैसे लेके, और लड़की गंतव्य स्थान तक पहुँचती नहीं है और इससे पहले भगा देते हैं या जाती भी है तो एक दिन में भाग जाती है और पैसा हजम कर जाता है। उदयपुर में संचालित होने वाली लोकल बस सेवा यानी सिटी बस सर्विस में बैठी हुई एक युवती पर ऑटो चालक द्वारा बोतल फेंकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है शराब के नशे में धुत ऑटो चालक ने इस बस पर बोतल फेंक कर मारी थी, जिसमें इस बस में सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया जहाँ इसका इलाज किया जा रहा है। वहीं ऑटो चालकों पर एक्शन लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा शख्स मौके से फरार हो गया। उदयपुर में संचालित सिटी बस सर्विस का उपयोग करने के बाद इसमें सफर कर रही एक महिला उस समय घायल हो गई जब इस बस पर एक ऑटो चालक ने बियर की बोतल फेंक कर मार दी। इस घटना से एकदम हरकत में आई ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ऑटो चालक को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन इसी ऑटो में बैठा दूसरा शख्स मौके से भागने में सफल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने ऑटो जब्त कर लिया है और बस चालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए इस घटना की जाँच शुरू कर दी है। मेरी ड्यूटी चल रही है, उधर देखा तो मैंने आवाज़ आई कोई एक्सीडेंट हो गया हो, जैसे आवाज़ आई तो उधर जाके मौके पे देखा तो एक नगर निगम की बस है और एक ऑटो के अंदर दो व्यक्ति बैठे थे जो शराब नशे में होकर के एक बियर की बोतल भरी हुई फेंकी बस के ऊपर, जिससे एक महिला के लगी जिसको हॉस्पिटल भेजा गया और संबंधित थाने को बताया, चेतक आई और उसको लेकर थाने पे गए और ऑटो यही है अभी पार्किंग में खड़ा है, अभी संबंधित थाने वाले आएंगे भिजवा देंगे। ऑटो में दो व्यक्ति थे जो एक तो भाग गया, एक को मैंने मौके पे पकड़ के थाने वालों को सुपुर्द कर दिया। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की।
अरमानों की बारातों की वाइब्स है, ये है अपनों की सिटी वाइब्स है ये। गिरवा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद अब बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। वहीं बाड़ेबंदी के दौरान एक सदस्य के गायब हो जाने के चलते अब कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है इन सदस्यों को नाथद्वारा से जयपुर शिफ्ट करवाया जा रहा था, इसी दौरान एक सदस्य इस बाड़ेबंदी से फरार हो गया। आपको बता दें गिरवा प्रधान सज्जन कटारा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से बाड़ाबंदी शुरू की गई है। बाड़ाबंदी के दौरान एक सदस्य के गायब होने से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान में गिरवा पंचायत की प्रधान सज्जन कटारा और उप प्रधान मीना कुंवर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। इसी के चलते अब कांग्रेस पार्टी की ओर से बाड़ाबंदी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें इस पंचायत समिति में 29 सदस्य हैं, जिनमें से 18 सदस्य कांग्रेस पार्टी से हैं, जबकि 11 सदस्य बीजेपी के हैं। नियमानुसार 10 लोग अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इसी नियम के तहत 11 सदस्यों ने सीईओ को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। वहीं सीईओ इस अविश्वास प्रस्ताव को अब मीटिंग बुलाई जाने वाली है। इस मीटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से बाड़ाबंदी करने की बात सामने आई है और इस बाड़ाबंदी में से एक सदस्य के गायब होने के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। बहरहाल आपको बता दें 29 में से 18 सदस्य अभी कांग्रेस के पास हैं, 11 भाजपा के सदस्य इस पंचायत समिति में। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर वे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर और केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा करेंगे। विधानसभा में मौजूद संख्या के अनुसार लगभग 30 मंत्री ही राजस्थान में बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 27 मंत्री अभी और शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि कुछ मंत्री पद सरकार में रिक्त भी रखे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में जो विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं उनमें उदयपुर संभाग से जो सबसे ज्यादा नाम चर्चित हैं उनमें उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ साथ चित्तौड़ से विधायक का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं इस पूरी कवायद में डॉक्टर किरोली लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, सिद्धि कुमारी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कैलाश वर्मा, जोगेश्वर गर्ग, महंत प्रताप पुरी, अजय सिंह किलक, भेराराम सियोल, संजय शर्मा, श्रीचंद कृपलानी, झाबर सिंह खर्रा, प्रताप सिंह सिंघवी, हीरालाल नागर, शैलेश सिंह, जितेंद्र गोठवाल, शत्रुधन गौतम, जवाहर सिंह बैडम, मंजू बागमार, सुमित गोदारा, हेमंत मीणा, हंसराज पटेल और जेठानंद व्यास के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वहीं बताया जा रहा है कि इनमें से 11 से 15 लोग 15 विधायक जो हैं वो कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि शेष मंत्रियों को राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। मसाज के दौरान स्पा में ऑस्ट्रेलियाई महिला पर्यटक के साथ हुई छेड़छाड़, स्पा संचालक गिरफ्तार। शादियों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑटो चालक ने सिटी बस पर फेंक कर मारी बियर की बोतल, घटना में घायल हुई युवती, हिरासत में ऑटो चालक।
बाड़ेबंदी से गायब हुआ पंचायत समिति का सदस्य, पार्टी में मचा हड़कंप। गिरवा प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ पेश किया गया है अविश्वास प्रस्ताव। ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को, और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।